नमस्कार। आज हम सीखेंगे वर्ग समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से हल करना। इसमें समीकरण को x ऋण a पूरे का घात 2 या x धन a पूरे का घात 2 के रूप में परिवर्तित करना रहता है। और यहाँ पे x ऋण a पूरे के घात 2, तो यहाँ पे अगर इसको हम पहला मान लेते हैं और इसको दूसरा, तो इसको फैलाते हैं तो पहला का वर्ग यानी कि x का वर्ग ऋण 2 आता है हमेशा, उसके साथ पहला गुणित दूसरा धन दूसरा का वर्ग हो जाता है। यहाँ पे सिर्फ चिन्ह पे अंतर होता है, बाकी सेम वही रहता है। ये धन है तो धनात्मक धन धनात्मक हो जाएगा, यहाँ पे ऋण है तो ऋणात्मक हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से पहला का वर्ग ऋण 2 गुणित पहला गुणित दूसरा धन दूसरा का वर्ग होता है। आइए इसमें एक उदाहरण के द्वारा इस वर्ग समीकरण हल करने की पूर्ण विधि को समझते हैं। यहाँ पे एक उदाहरण है, एक्स के घात 2 धन 6x बराबर 0। यहाँ पे देखिए हमको पूर्ण वर्ग बनाना है, तो ये पहला हो गया, यहाँ पे 2 रहता है प्लस दूसरा का वर्ग होता है। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स के घात 2 धन 2x गुणित 3 बराबर 0। यहाँ पे देखिए दो, ये क्योंकि पूर्ण वर्ग में होता है, पहला का वर्ग धन 2 गुणित के 2 के साथ हमेशा पहला और दूसरा गुणा रहता है और फिर धन चिन्ह लगकर दूसरे का वर्ग होता है। तो यहाँ पे देखिए एक चीज हमको यह समझना है, 2x के साथ, 2x के साथ जो भी गुणांक रहता है, जो भी गुणांक रहता है उसका वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ते हैं। यहाँ पे 2x का गुणांक 3 है, तो यहाँ का 3 का वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ेंगे। तो आइए देखते हैं, x के घात 2 धन 2x गुणित 3 धन 3 का वर्ग यहाँ भी जोड़ दिए और दूसरे पक्ष में भी उसी का वर्ग करके लिख दिए। शून्य के साथ जोड़ेंगे तो उतना ही आएगा, शून्य धन 3 का वर्ग करेंगे तो शून्य तो उतना ही आएगा। तो यहाँ पे हम शून्य को नहीं लिख रहे हैं। अब इसको देखिए, ये पहला का वर्ग हो गया, धन 2 पहला गुणित दूसरा धन दूसरा का वर्ग, यानी कि ये एक्स धन 3 पूरे के घात 2 हो गया और ये हो गया इसका वर्ग, 3 का वर्ग होता 9 होता है। अब इस पक्ष से वर्ग को हटाते हैं तो दूसरे पक्ष में वो वर्गमूल बन जाता है। तो इस तरह यहाँ वर्ग हटा तो इस तरफ वर्गमूल बन गया, वर्गमूल 9 हो गया। अब हम जानते हैं एक्स धन 3 बराबर वर्गमूल 9 का मान होता है धन ऋण 3 होता है, क्योंकि 3 का वर्ग 9 होता है। और इसको हल करेंगे एक बार धन चिन्ह लेकर, धन चिन्ह लेकर करें हल करेंगे तो एक्स धन 3 बराबर 3 आ होगा, तो एक्स एक्स बराबर 3, ये 3 उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो धन है तो उस पर ऋण हो जाएगा, तो एक्स बराबर यहाँ पे 0 आएगा। अब ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेने पर एक्स धन 3 बराबर ऋण 3, एक्स बराबर ऋण 3 अपने जगह में है, ये धन 3 उस पार जा रहा है तो ऋण 3 हो जा रहा है। हल करेंगे दोनों ऋणात्मक हैं, दोनों जुड़ेंगे तो ऋण 6 हो जाएगा। इस तरीके से हम वर्ग समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से हल करते हैं। यहाँ पे इस तरीके से x का मान 0 और x का मान ऋण 6 प्राप्त होता है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और अगले वीडियो में हम जानेंगे वर्ग समीकरण को सूत्र विधि से कैसे हल करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।